ओके देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना चैप्टर चल रहा था, इसमें अपन ने देख लिया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक अपन ने देख लिए थे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और दो और थे, कौन से थे, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और एक और बच गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ हाँ तो वायरस ये सारे क्या हैं, एमसी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आज देखेंगे कि ये कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेंडली बिहेव करते हैं, मतलब कि ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए फ्रेंडली होते हैं, मतलब वो हार्म नहीं पहुंचाते बल्कि बेनिफिट पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल, फॉर एग्जाम्पल देर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन दैट सिंथेसाइजेज द विटामिन्स। हाँ, तो हाँ किसी समझा रहे हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमंस में, और विटामिन के जो है इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, और विटामिन के क्या काम करता है, ये ब्लड का क्लोट बनाने में हेल्प करता है। क्लोट मतलब अगर आप मतलब कट जाते हैं कहीं से निकल तो जाती है तो सर उसको मतलब एक जगह रोकने कर के लेता है, लिए। ऐसे ज्यादा बहने नहीं देता। हाँ, डब्ल्यूबीसी। WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, उसमें ये विटामिन के की हेल्प से काम करता है, ठीक है। हाउएवर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेंस। पैथोजेंस किसको बोलते हैं, जो कि डिजीज को बनाते हैं, डिजीज को पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। अलग अलग तरह की डिजीज विच आर ए थ्रेट टू आवर लाइफ फॉर्म्स। तो आज अपन देखेंगे इसमें जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ उनके बारे में। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, और पांच अलग अलग तरह से इसको देखेंगे। सबसे पहला, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, बेक, सॉरी केक, इडली, डोसा एंड चीज। तो इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं उसको देख लेंगे। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, विनेगर, इसके लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट काम में आते हैं उसको ईस्ट देखेंगे। इंक्रीज ऑफ सोइल ईस्ट फर्टिलिटी, उसको देख लेंगे। और मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया। में एंटीबायोटिक, जो मेडिसिन होती है उसके लिए, और वैक्सीन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद में सबसे लास्ट में क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला अपन देख रहे हैं यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा एंड चीज। तो इसको रीड करेगी आश्वी। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड ब्रेड केक इडली डोसा एंड चीज। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड दही एंड ब्रेड। मेकिंग ऑफ कर्ड इज अ प्रोसेस इन विच द लैक्टोज मिल्क शुगर ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया मेनली लैक्टोबैसिलस। शुगर प्लस यीस्ट, एल्कोहल प्लस CO2 एस्केप कॉजिंग होल द सेलुलर फंगी। यीस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स केक्स एंड पेस्ट्रीज। These food stuffs are produced by the rising dough. Dough is raised by occupying CO2 bubbles, which produced by yeast and increasing volume of the dough. देखो, जब कभी आपने देखा होगा, जब कभी कभी दही जो होता केक है, बनता है घर पे। नहीं, दही जो होता है, दही जब पुराना हो जाता है, मतलब जब 2-3 दिन का दही हो जाता है, तो उसमें से जब आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो उसमें बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है। तो वो जो उसमें स्मेल आती है ना, वो कुछ गैसेज होती है जो कि फॉर्म होती है उसमें, जो आपने उसमें एक तरह से जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया डाला है, जिसकी वजह से वो दही में कन्वर्ट हुआ है। तो वो क्या काम करता है, लैक्टोबैसिलस वो कुछ वहाँ पे एक तरह से ऐसी प्रोसेस करता है कि जिस वजह से वहां पे कुछ गैसेज बनती है, और वो गैसेज जो है उसमें से निकलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसे फूल रहा है या फिर नाच रहा है। ऐसा ही क्या होता है जब, हाँ देखो, दही बनाने के प्रोसेस में लैक्टोज जो होता है मिल्क का एक शुगर है। अच्छा, हर कोई नेचुरल जो चीज़ होती है उसमें कुछ ना कुछ शुगर होती है, और उसका पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे दूध में जो शुगर होती है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज। जो फ्रूट्स में जो होती है और सर उसको अपन बोलते हैं नॉर्मली जो फ्रूटोज। खाते हैं, जो अपन उसको खाते हैं ना सर, वो तो सर अपनी सुक्रोज होती है। और दूध में सर गेहूं में जो लैक्टोज। होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। गेहूं में जो होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज, और वैसे अपन जो शुगर खाते हैं उसको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज, और जो फ्रूट्स में होता है उसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, और ऐसे ही और सर दूध जो में होता है दूध में होता उसको, है सर उसे माल्टोज कहते हैं ना, माल्टोज। दूध में माल्टोज नहीं होता, फ्रुक्टोज होता है, सॉरी नहीं सर, माल्टोज किस में होता है? माल्टोज। माल्टोज कन्वर्ट होने के बाद ही बनता है। माल्टोज ऐसे होता नहीं, माल्टोज कन्वर्ट होने के बाद, जैसे ग्लूकोज और फिर बाद में माल्टोज, ऐसे बनता है वो, कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्म चेंज करते रहते हैं अपनी। तो इसमें देखो, कर्ड जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में डालते हैं, लैक्टोज में डालते हैं, और उससे क्या होता है कि एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन में कुछ एसिड निकलते हैं। बताया ना अभी, जो गैसेज जो होती है तो उसमें कुछ एसिड बनते हैं, और उस एसिड को बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या होता है इक्वेशन, जैसे इधर है जो शुगर है, कौन सी शुगर है, ये शुगर है आपकी लैक्टोज, लैक्टोज।
लैक्टोज को जब आप यीस्ट से मिलाते हो, इसमें आपने कुछ थोड़ा सा यीस्ट डाला, मतलब कि थोड़ा सा डालते हैं ना वो रात को जब दही जमाते हैं, फंगस 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 नहीं जावन होता, नहीं सर जावण बोलते हैं जावन उसको। हाँ छात तो मैंने सर बोला ना हाँ तो समझ हाँ जाती हो तो देसी जावन अपने जो हाँ लोकल डायलेक्ट्स समझ है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें उसको बोलते हैं जावण। और वो एक्चुअल में क्या होता है, वो जावन यीस्ट होता है। वो ये जावण में क्या होता है, यीस्ट होता है, और वो बैक्टीरिया लैक्टोज होता है। इस यीस्ट में क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। वो जब आप इसमें मिलाते हो तो इसमें लैक्टोलस रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में कौन कौन से बनेगा, एक तो बनेगा एल्कोहल, सॉरी अल्कोहल एल्कोहल नहीं बनेगा, इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड, कर्ड अल्कोहल टॉस से लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। इसमें लैक्टोज की जिससे में लैक्टिक एसिड बनेगा, दूध खट्टा हो जाएगा ओके। और इसके साथ में बनेगा कुछ गैसेस, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ गैसेस जो होती है वो तो इवेपोरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है एनवायरनमेंट में, वहां पे स्टोर नहीं रहती है। तो गैस तो निकल गई, जिससे बदबू आती है ना, थोड़ी खट्टी खट्टी स्मेल आती है दही में, तो वो किससे आती है, वो उसी रिएक्शन की वजह से आती है। तो ये तो हो गया बाहर एस्केप। और ऐसा ही रिएक्शन क्या होता है, जब आप केक वगैरह बनाते हो, तो केक में क्या होता है कि कैसा आपने केक बनाते हैं केक 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 पे पेस्ट्री केक, केक में से सब हाँ, केक तो उसमें क्या होता है, ऐसे आटे को गोंदते हैं, और गोंदने के बाद में उसमें थोड़ा सा यीस्ट मिलाते हैं। यीस्ट मिलाने के बाद में उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दिया जाता है साइड में। रखने से क्या होता है, यीस्ट अपना काम करता है उस आटे में से, और उस आटे में से जो भी एक तरह से जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो आटा रखा हुआ है पहले तो इतना सा छोटा सा, उसको आपने पूरी रात भर के लिए रख दिया, अब वो फूल के क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा साइज बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना, ये गैसेस जो है, उस गैसेस की वजह से थोड़े से ऐसे स्पेस क्रिएट हो जाते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं उसके उसमें से, उस डो में। तो इस वजह से वो क्या, थोड़ा सा फूला हुआ नजर आता है अपने को, और गैसेस जो है वो बाहर निकल जाती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से एक सर मैंने पर्टिकुलर तो देखा ही नहीं अपन यीस्ट कब डालते हो आटे के अंदर। अरे वो तुम लोग बेकिंग सोडा नहीं डालते क्या बेकिंग आटे सोडा। को? वो वो जो बेकिंग यीस्ट सोडा जो होता है वो यही है, यीस्ट ही है। सर ऐसे तो अपन इडली के अंदर क्या बोलते हैं इनो सूजी इनो सूजी इनो ना चुप नहीं यार सूजी नहीं सर हाँ सूजी अरे सर सूजी के अंदर जब अपन इनो डालते हैं ना तब भी वो फूल जाता है। मतलब इनो, ये भी यीस्ट का ही सुनो होता है इनो का ना पैकेट, सुनो इनो का पैकेट लेना, उसके पीछे लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें देखना, उसमें कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा यीस्ट कि नहीं, यीस्ट नहीं लिखा हुआ मिलेगा उसमें, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं बेकिंग सोडा बेकिंग नींबू सोडा। जो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा से वो फूल सर जाता है, हाँ वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है एक तरह से, ये फॉर्मेशन वाली, जिसमें एल्कोहल और CO2 बनता है, ओके। इसी की वजह से उसमें क्या है, थोड़े थोड़े से छेद आपको दिखते हैं। यीस्ट एक क्या है, क्वेश्चन पूछो सुनो एक बार मैं पहले इसको समझा दूं। यीस्ट क्या है, यीस्ट एक तरह से यूनिसेलुलर फंगी है, जो कि ये काम करती है ब्रेड केक्स और पेस्ट्री बनाने में। फंगी है इसीलिए क्या है, ये इसको फुला देती है। और कई बार आपने देखा होगा, कई चीज ऐसी आती है, बहुत सालों पुरानी चीज आती है, जितनी पुरानी चीज उतना ही उसमें टेस्ट ज्यादा। तो कई चीज ऐसी होती है कि उसके ऊपर पूरी तरह से ऐसे काई लगी हुई होती है, और वो काई क्या होती है, एक्चुअल में वो फंगस ही होती है, जो उसने अपना पूरी कॉलोनी वहां पे बसा ली होती है, ठीक है। तो ऐसी जो अपने यहाँ पे तो नहीं चलता ऐसे की चीज, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें ऐसी चीज बहुत ही महंगी मिलती है, बहुत पुरानी, जितनी पुरानी चीज उतना ही सर वो आउट महंगी। फॉरेन कंट्रीज सर उन्हें खा लेती है सर एक्सपायरी डेट की चीज। एक्सपायरी डेट नहीं होता यीस्ट, अगर आप नहीं डालोगे तो एक्चुअल में आप उसको एक्सपायरी ही तो कर रहे हो। जो केक और होता नहीं है, तो सर फंगी खा देते हैं। आप भी खाते हो ना केक, नहीं खाते क्या आप? नहीं सर वो बात अलग है सर ये वो तो बात है, वो मतलब बात अलग पूरी नहीं है। कॉलोनी फंस जाती है। नहीं, वो बात अलग नहीं है। जो केक खाते हो ना, उसमें भी वो पूरी फंगस की कॉलोनी होती है। कभी आप वो जो माइक्रोस्कोप होता है ना, उसके नीचे रख के देखना कभी नहीं सर केक को। मैंने तो सोच लिया माइक्रोस्कोप कभी नहीं लाऊंगी मैं तो क्योंकि फिर हाँ, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी जल्द तो बात यह है कि वो से डो की साइज क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसमें से CO2 के बबल्स निकलते हैं, इसलिए वो उसकी डो की साइज को बढ़ा देता है, निकल ओके। तो ये रीजन है। इसके बाद में नंबर आता है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। तनु इसको रीड करो। यस यार अच्छी है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विन बियर एक्सेट्रा वो वाइन बियर एक्सेट्रा ऑन अ लार्ज स्केल। सेकेंड यीस्ट इज प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड वाइन बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल रिलीजिंग हीट। थर्ड कन्वर्ट्स नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन बार्ली व्हीट राइस फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा आर गिवन एज गिवन शुगर प्लस यीस्ट फर्टिलाइजर
fermentation, alcohol plus CO2. 4. Microbes like Acetobacter bacterium are source of vinegar acetic acid. Okay, देखो जो कॉमर्शियल यूज होता है उसमें कई सारी ड्रिंक्स बनाई जाती है, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाती है, जैसे वाइन, बियर, इनको बनाने के लिए जो चीज़ काम में आती है उसको बोलते हैं यीस्ट, ठीक है। और यीस्ट जो है वही काम करता है जो कि बेकिंग इंडस्ट्री, जैसे अभी अपन ने बनाया था केक, पेस्ट्री वगैरह, तो वो जो काम वो वहाँ पे करता है वही काम वो यहाँ पे करता है। सिर्फ फर्क इतना सा है, वहाँ पे वो जो बना रहा था वो अल्कोहल वो थोड़ी कम मात्रा में था, यहाँ पे जो बना रहा है वो अल्कोहल, वहां पे जो एल्कोहल बना रहा था उसका अपने को यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपने को एल्कोहल ही यूज करना है, एल्कोहल ही अपने को एक तरह से प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये जो यीस्ट जो है इसका यूज ज्यादा किया जाता है, और एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। फर्मेंटेशन में होता क्या है कि जो सुक्रोज है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और जब कभी जब कभी शुगर आपका एल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो उसमें हीट एक तरह से निकलती है। ऐसी कोई भी रिएक्शन, जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो या तो वो हीट सरप्लस होती है या फिर वो हीट को डेफिसिट कर देती है, मतलब या तो वो हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगी या फिर हीट को बाहर निकालेगी। तो जब कभी भी ऐसी कोई रिएक्शन केमिस्ट्री में जब कभी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें हीट बाहर निकलती है, ठीक है, याद रखना, कोई भी रिएक्शन उसमें हीट हमेशा बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखो जो शुगर है वो मिल रहा है यीस्ट से, फर्मेंटेशन हो रहा है, एल्कोहल बना और सीओ टू बना, तो सीओ टू तो एटमोस्फेयर में चला गया, एल्कोहल अपने को मिल गया, ठीक है। चलो इसके बाद में देखो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया होता है, और ये एक तरह से विनेगर जो होता है ना, विनेगर जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो, ठीक है। तो विनेगर के अंदर जो आता है उसे बोलते हैं विनेगर को ही, विनेगर को ही बोलते हैं एसिटिक एसिड, केमिस्ट्री में उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, डेली यूज में उसको विनेगर बोलते हैं, और हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं, हिंदी में इसको सिरका बोलते हैं, हाँ सिरका बोलते हैं अश्विन, हाँ सिरका। ओके तो कहां से बनता है ये, एजोटोबैक्टर से बनता है, एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो बनाता है इसको, ठीक है। इसके बाद में आता है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसको रीड करेगी सौम्या। Medicinal use to microorganism. Antibiotic given after disease for treatment. Vaccine given before disease for prevention. First point. The microorganisms are also used for making antibiotics for the cure of the care of the different microbial infections. Second. In antibiotics are provided by an microorganism and kills reduce growth of other microorganisms pathogen. Third point, penicillin was the first antibiotic discovered in 1929 by Alexander Fleming. Fourth, Fleming noticed that an agar plant inoculated with bacterium Staphylococcus aureus had become contaminated with a mold. For fifth point, he future noticed the person for a clear zone in the agar plant in which breakdown of bacterial cells had occurred. Deleted to studies led to the isolation of an inhibitory substance from the mold, as the mold was indefinite as penicillular. Fleming called the antibiotic penicillin, so on other antibiotics were isolated. Okay, देखो जो medicinal use है इसमें क्या होता है, कुछ microorganism कुछ ऐसे product बना देते हैं जिनका यूज आप किसी डिजीज को क्योर करने के लिए कर सकते हो। तो ऐसे क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और इनसे जो बनता है, जो दवाई बनती है, फिर जो मेडिसिन बनती है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो वो एंटीबायोटिक किसमें काम आएगी, जो बैक्टीरिया, जो एक तरह से बैक्टीरिया कोस्ट जो डिजीज होती है उन्हीं में वो काम में आती है। ऐसा नहीं कि वायरस से कोई बीमारी हो रही है उसमें एंटीबायोटिक काम में लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा सर्दी जुकाम होती है उसमें भी एंटीबायोटिक लेते हैं लोग, एंटीबायोटिक हाँ नहीं, वो एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए क्योंकि सर्दी जुकाम किससे होता है, वायरस से होता है, और उसमें एंटीबायोटिक काम में नहीं आती है। एंटीबायोटिक ओनली बैक्टीरिया से जो डिजीज हो रही है उसमें काम में आती है, ठीक है। तो
इसमें दो तरह से होता है, जैसे एक तो एंटीबायोटिक और एक वैक्सीन। एंटीबायोटिक जो होता है वो तो डिजीज होने के बाद में काम में आती है, ठीक है, डिजीज होने के बाद में, मतलब कि ट्रीटमेंट में काम में आती है। और वैक्सीन क्या होता है, डिजीज होने से पहले ही एज ए प्रिवेंशन। आप सभी के वैक्सीन लगाए कोरोना का, मतलब आपके कोरोना अभी हुआ भी नहीं है लेकिन फिर भी होने की संभावना होती है, तो पहले ही आपने उसका एक तरह से प्रिवेंशन कर लिया, होने से पहले ही आपने वैक्सीन लगवा ली। तो वैक्सीन और एंटीबायोटिक में ये डिफरेंस है। इसके बाद में देखो, अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक बना सकते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन जो होते हैं, माइक्रोबियल जो एक्सपीरियंस इन्फेक्शन होते हैं उन सब में वो काम करते हैं। जैसे अगर कोई वायरस से कोई बीमारी हो रही तो वायरस से बनी हुई एक मतलब कि मेडिसिन काम में लेंगे, और अगर कोई बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो रही तो बैक्टीरिया से बनी हुई कोई मेडिसिन काम में लेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये क्या काम करते हैं, ये जो पैथोजन होते हैं, जो कि बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको जाके नष्ट कर देते हैं, उनको जाके एक तरह से खत्म कर देते हैं। हाँ आश्वी, डाउट पूछो। जो ये है ना वायरस से तो फीवर फीवर और कोल्ड होता है, और जो फंगी यानी फंगस, उससे कि स्किन स्किन डिजीजेस होती है, तो हाँ ये बैक्टीरिया से क्या होता है सर, उससे भी स्किन डिजीजेस ट्यूबरक्लोसिस, खांसी होती है मलेरिया, ना, मलेरिया, अरे खांसी होती है ना, ट्यूबरक्लोसिस, खांसी। मलेरिया कौन बोल रहा है ऐसा। हाँ खांसी होती है, वो बैक्टीरिया से होती है, गले में इन्फेक्शन आता है बैक्टीरिया से, उससे होती है खांसी। टीबी और होती सर है, टीबी। वायरस से फीवर, बहुत सारी डिजीज कोरोना है, वायरस, अरे बेटा बहुत सारी कोरोना डिजीज है, मैं बताऊंगा इसी में है सर, सारी डिजीजेस, टेंशन मत करो, सब चीजें बताएंगे आपको। मैंने ट्यूबरक्लोसिस नाम तो सुना है, पर ये ना हमारे तो कभी होता ही नहीं है, तो चलता है अरे जिंदगी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसमें बार बार खांसी आती है, और खांसी के साथ इसीलिए में ब्लड वगैरह आता है, ठीक है, तो ऐसी एक डिजीज होती है उसमें बहुत उसे ज्यादा। ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, हाँ उसी को जिसके लिए टीटी का ट्यूबरक्लोसिस इंजेक्शन बोलते दिया हैं। जाता है लोगों को, हाँ डीटी, हाँ टीटी का हाँ नो करवानी है खुद के सर। डीबीटी, टीटी नहीं होता वो। चलो नेक्स्ट देखो, पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929। चलो आगे देखो, फ्लेमिंग ने क्या किया था, कैसे खोजा इस पेनिसिलिन को, तो उन्होंने देखा कि एक एगर प्लेट थी, मतलब कि एक जिसको बोलते हैं कि प्लेट नहीं, मतलब जो टेस्टिंग, जो एक तरह से प्लेट्स होती है उसकी, शीशे की प्लेट, तो उसके ऊपर उसने क्या किया कि टेस्टिंग कुछ, ट्यूब, हाँ उसने कुछ बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन देखे, मतलब कुछ बैक्टीरिया वहां पे थे जो अपना एक तरह से वहां पे कुछ ऐसे इन्फेक्शन वगैरह फैला रहे थे। बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरेसिस हैड बिकम कॉन्टामिनेटेड विथ ए मोल्ड। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया की वजह से, ये एक मतलब मोल्ड की वजह से एक ये जो बैक्टीरिया है वो थोड़ा वहां से इन्फेक्शन वहां पे हो गया उसके। और उसके बाद में उसने नोटिस किया कि ही फॉर द नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ए क्लियर जोन इन द एगर प्लेट इन विच ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हैड अकर्ड। जब ये मोल्ड पे एक तरह से ये इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें कुछ प्लेट में कुछ खाली जगह भी थी। देखो ये तो है वो मोल्ड जिसके जिसके ऊपर वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, ये जो था ये बैक्टीरिया जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं ना इधर बहुत सारे, ये है बैक्टीरिया। लेकिन जो मोल्ड है उसके आसपास में देखो कोई बैक्टीरिया नहीं है, उसके आसपास में कोई बैक्टीरिया नहीं है, मतलब इस क्योंकि यहाँ मोल्ड, पे इंफेक्शन हो गया। हाँ तो ये जो मोल्ड जो था ना इसमें ऐसी कोई कैपेसिटी थी जो ऑटोमेटिकली इस बैक्टीरिया को खत्म कर रही थी, अपने आसपास में बैक्टीरिया को आने ही नहीं दे रही थी। तो इसने क्या किया, इस मोल्ड की जब स्टडी की, इस पर्टिकुलर मोल्ड की स्टडी की, तो इसने पाया कि इसमें ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को अपने से दूर रखता है, और उसी चीज को निकाल के इसने पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक दवाई बनाई। कि वो एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, वो बैक्टीरिया को अपने पास में नहीं आने देता। कहां से निकाला उसने, इसी मोल्ड से निकाला, उस पर्टिकुलर जीन को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इस मोल्ड, पर्टिकुलर मोल्ड जो है ना, इसी का नाम उसने क्या दे दिया, पेनिसिलियम। क्या नाम दे दिया इसका, पेनिसिलियम। और इसी से फिर बाद में उसने, हाँ इसी मोल्ड का नाम जो है उसने बनाया पेनिसिलियम, इस मोल्ड का ही नाम उसने दिया पेनिसिलियम, और इसी से दवाई बनाई क्या, पेनिसिलिन। ओके, और उस पेनिसिलिन को बोलते हैं एंटीबायोटिक। सर उसने ना बहुत खोजबीन की है, और मोल कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इसके बारे में हाँ और हाँ वो तो, जानकारी निकाली। हाँ वो तो बाद की बात है ना, मतलब उसने जब ऑब्जर्व किया तभी की, तो ये मतलब उसको पता लगेगा। ओके नेक्स्ट देखो, इसमें वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर फ्रेगमेंट्स, देर आर गिवन ओरल और इंजेक्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेंट्स फ्रॉम हार्मफुल डिजीजेज लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो वैक्सीन जो है छोटे बच्चों को दी जाती है
छोटे बच्चों को इसलिए क्योंकि जन्म से ही एक तरह से पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद में ये अलग अलग तरह की वैक्सीन दी जाती है जिससे कि अलग अलग तरह के डिजीजेस को रोका जा सके। वैक्सीन इज किल्ड एंड वीकन माइक्रोब दैट व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन बॉडी अवोक इम्यून सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस मेमोरी सेल्स। एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। देखो इवाड़ वाला बस इवाड नहीं है बेटा, ये एडवर्ड। हाँ सर वही ये वाली थ्योरी बताई थी सर मैं भी हाँ तो वो नाम आपने गलत ले लिया ना, इसलिए मेरे को समझ भी नहीं आप क्या बोल रहे हो। एडवर्ड जेनर था जिसने क्या बनाया था, वैक्सीन बनाया था। अच्छा सुनो अब मेरी बात, वैक्सीन कैसे बनी, वैक्सीन बनने की हिस्ट्री सुन लो आप। वैक्सीन जो है ये सबसे पहले काऊ की सेल जो होती है, काऊ गाय की जो सेल्स होती है उसमें डिस्कवर की गई थी। इसीलिए काऊ जो है उसको लैटिन जो वर्ड है उसमें ऐसे कुछ बोला जाता है, वैक्सेस ऐसे कुछ बोला जाता है। तो वहीं से इसका नाम जो है वैक्सीन ड्राइव किया गया, मतलब वहां से इसका नाम वैक्सीन बना। ठीक है, कहाँ से बनी थी वैक्सीन, काऊ से बनाई गई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं वैक्सीन। सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी एडवर्ड ऐसे ही जेन ढूंढ के। और वैक्सीन होता क्या है, एक्चुअल में वैक्सीन में होता क्या है, तो जब वैक्सीन होती है ना, जो आपको कोरोना की वैक्सीन लगी है, उसमें क्या होता है कि कोरोना के ही एक तरह से मरे हुए जो वायरस है या फिर जो एकदम ही वीक जो वायरस है वो होते हैं। कई में तो वो अलाइव होते हैं मतलब जिंदा होते हैं, और कई में वो मरे हुए होते हैं। वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब वो हो सकता है कि ओरली मतलब आपको मुंह से दिया जाए या फिर इंजेक्टेड मतलब इंजेक्शन से दिया जाए। इससे होगा क्या कि जब वो आपके बॉडी में जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद में आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम मतलब जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो तैयार हो जाता है। वो कोशिश करता है कि बाहर से कोई आया है उसको मारना है, तो वो क्या करते हैं कि उसके लिए मतलब जो डेड सेल जो हैं, जो डेड जो एक तरह से वायरसेज हैं या फिर जो बहुत ही वीक वायरसेज हैं उनको मार के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपने जो बॉडीज है ना उसमें जो सेल्स हैं वो उनको मार के खुश हो जाते हैं कि हमने इनको मार दिया, अब चाहे कोई भी आ जाए हम उनको मार देंगे। तो ऐसा सिस्टम अपने ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, प्लांट्स में चलता रहता है, जिसमें क्या होता है कि जब कभी कोई बाहर से कोई एक तरह से एलियन को पैथोजन जब बॉडी में जाता है तो उसके लिए ऑटोमेटिक जो है डिफेंस सिस्टम काम करता है। उसमें जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, यहां से वायरस इसके अंदर गया, अब चाहे वो वायरस मरा हुआ हो, चाहे थोड़ा सा जिंदा हो, चाहे वो वीक फॉर्म में हो, चाहे बहुत ज्यादा स्ट्रांग फॉर्म में हो, अपना ह्यूमन बॉडी क्या करेगा, उसको डिफेंस करेगा, उसको मारना स्टार्ट कर देगा। अगर ये ऑलरेडी मरा हुआ है तो अपना ह्यूमन बॉडी क्या है, उसको मार के खुश हो जाएगा कि अब चाहे जिंदा भी आ जाएगा मैं उसको मार लूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज अगर इसमें अपना वीक ह्यूमन फॉर्म बॉडी में, खुश हो जाता है कि मैंने इसे मार दिया। हाँ मतलब मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं इसको मार सकता हूँ, तो जब कभी रियल में जब वो वायरस आएगा बाद में फ्यूचर में, जब कभी रियल में वायरस आएगा तो ये जो है अपने अंदर इतना एंथुसिएज्म में भरा हुआ होगा, मतलब इतना जोश में भरा हुआ होगा कि ये ऑटोमेटिकली उसको मार देगा। तो ऐसे इसमें वैक्सीन में एक तरह से वायरस के खिलाफ, अपने आप को ही सर मार रहा था कोरोना वायरस। नहीं, कोरोना वायरस में क्या था कि कोरोना वायरस से जो वैक्सीन जो आपको दी गई है ना, उस वैक्सीन में कोरोना वायरस के मरे हुए वायरस डाले गए थे आपके बॉडी में। ठीक है, और उसको जब आपके बॉडी में डाला गया तो उसने क्या किया, आपकी बॉडी ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसने उनको मार के जो ना खुश हो गया, इसको बोलते हैं एक तरह से एंटीजन डेवलप करना। जब कभी कोई वायरस को जब एंटीबॉडी मारने सर के, एंटीबॉडी एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीबॉडी एंटीबॉडी नहीं, यहाँ पे एंटीजन क्रिएट होते हैं और वो एंटीजन जो है वो उस डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। वो जो एंटीजन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका मतलब आप में वो इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, अब चाहे ओरिजिनल अगर वायरस भी आएगा, जिंदा वायरस भी आएगा, उसको भी वो मार देगा। ठीक है, तो एंटीजन को एक्टिवेट करने की प्रोसेस होती है वैक्सीन। ओके नहीं आया समझ में, यस सर यस सर आ गया सर। जल्दी आ गया करो बारिश आ गई सर, लाइट अभी भी यस जा सर। सकती है। चलो भाई देखो, एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने वैक्सीन स्टार्ट की। इसके अलावा बहुत सारी द आउटकम ऑफ होल एंड इन प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल टू सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर इंजेक्शन, द लाइफ ऑफ मेमोरी सेल इज वेरिएबल एंड मे बी इवन लाइफ लॉन्ग। देखो जब कभी मैंने बोला ना कि ऐसे मतलब सेल क्रिएट हो गए, ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म आप में क्रिएट हो गया, तो कुछ का तो ऐसे होता है कि वो जीवन भर, एक बार जब आपको वैक्सीन दे दी ना उसकी, तो उस तरह की जब कभी भी कोई वायरस आएगा उसको वो मारेगा। एक तो ऐसे होते हैं और एक होता है कि बार बार में देना पड़ता है, बार बार में उसको बताना पड़ता है कि हाँ भाई अब वापस से आने वाले हैं, फिर से आप एक्टिवेट हो जाओ। तो आपको पता होगा दो वैक्सीन लगी थी, दो वैक्सीन क्यों लगी थी, क्योंकि वो वैक्सीन एक तरह से अब बूस्टर डोज भी लग रहे हैं, मतलब कि दोबारा से बताने की जरूरत है। तो कुछ वैक्सीन तो ऐसी होती है जो कि उन सेल को परमानेंट एक्टिवेट कर देती है लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए, और कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उन सेल्स को एक्टिवेट करती है।